अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो आज मैं आलू का पराठा बना रहा हूँ और दिखाता हूँ आप लोगों को कि आलू के पराठे के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ता है। तो सबसे पहले हमने आलू बॉईल किया था और मैश किया अच्छे से। ऊपर से हमने पुदीना डाला है और ये हम इसमें धनिया डाल लेते हैं, ठीक है। और ये थोड़ा सा हम सब्ज़ मिर्च डाल लेते हैं और ये कूटा हुआ मिर्च है ये डाल देंगे। और ये अजवाइन है, अजवाइन बहुत ज़रूरी है, ये गैस नहीं बनाता है, ठीक है। और ये जीरा है, साबुत जीरा, ठीक है। ये हमने डाल दिया है इसमें 1/4 चम्मच पिंक वाला नमक, आपके पास अगर वाइट है तो भी मुश्किल नहीं है, आपको जितना नमक चाहिए आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। और ये हमने इसमें हल्दी पाउडर डाल दिया, और अब हम इसमें नींबू निचोड़ते हैं, एक बड़ा नींबू ले या इमली। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, ठीक है। मुझे एक साथ से मिक्स करना मुश्किल है, तो मैं इसको वीडियो को स्टॉप करता हूँ और मिक्स करके फिर दिखाता हूँ आप लोगों को। आपको इसी तरह छोटा छोटा पेड़ा फैलना होगा जैसे रोटी बनाते हैं आप लोग, लेकिन ये वाला पेड़ा थोड़ा छोटा आपको लेना पड़ेगा ताकि बहुत मोटा पराठा ना बने, ठीक है। इसको आप अच्छा सा ऐसा फैला देगा। इसमें आप अनारदाना भी डाल सकते हैं, लेकिन वो हमारे पास था नहीं, आप ऐसे कर सकते हैं। देखें, अभी एक हाथ में मेरा मोबाइल है और दूसरे पे मैं लगा रहा हूँ, लेकिन ट्राई करूँगा कि अच्छा सा दिखा दूँ आप लोगों को, ठीक है। अब इतना ही पेड़ हमने बेल के रखा हुआ है ये साथ में, ठीक है, ये प्लेट में। अब इसको उठा के हमने इसके ऊपर रख लेना है ऐसा, ठीक है। इसको रख दिए ऐसे ऐसे करते हैं, इसको थोड़ा सा खुश्क लगाते हैं, ठीक है, उठा देते हैं। इसको हम बेलेंगे अभी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत पराठा हमारा तैयार हो गया आलू का, ठीक है। ये देखें, इसको आप दही के साथ खा सकते हैं और रायते के साथ भी खा सकते हैं, बहुत आसान बहुत इजी तरीका है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कर देना, और अगर आप नए हमारे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।